स्वागत है, मैं हूँ प्रिया धीर। करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी कल जा सकते हैं हैदराबाद, भारत बायोटेक का कर सकते हैं दौरा। दिल्ली पुलिस ने किसानों को निरंकारी ग्राउंड पर जाने की परमिशन दी। किसानों से सीएम मनोहर खट्टर की अपील, केंद्र से सीधे बातचीत करें, आंदोलन कोई विकल्प नहीं। किसानों को सिंधु बॉर्डर पार करने की इजाजत मिली, साथ मौजूद रहेगी दिल्ली पुलिस। राजकोट हादसे पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई गुजरात सरकार को फटकार, पूछा जिम्मेदारी कौन लेगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खास रहे शुभेंदु अधिकारी ने दिया मंत्री पद से इस्तीफा। जयपुर में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से बस में लगी आग, 3 की मौत, 5 झुलसे। दिल्ली के नौ स्टेडियम में किसानों के लिए अस्थाई जेल बनाने के प्रस्ताव को केजरीवाल सरकार ने ठुकराया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक मिहिर गोस्वामी आज बीजेपी में हुए शामिल। रांची में लालू यादव की जमानत अर्जी पर 11 दिसंबर तक सुनवाई टली। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, अग्रिम जमानत मंजूर। उत्तर प्रदेश में जल निगम भर्ती घोटाले में दोषी पाए गए पूर्व मंत्री आजम खान। उत्तर प्रदेश में मेरठ, मुजफ्फरनगर और बागपत में भी किसानों ने हाईवे को किया जाम। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती का ट्वीट, कश्मीर पुलिस ने एक बार फिर मुझे हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव को हाईकोर्ट ने किया तलब, अनुदेशकों को कम मानदेय भुगतान मामला। देश में कोरोना के 43,082 नए मामले, पिछले 24 घंटों में 492 लोगों की गई जान। टैक्स चोरी की शिकायत के बाद तमिलनाडु और चेन्नई के 10 ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी। जम्मू कश्मीर के दक्षिणी कश्मीर के 4 गांव में सुरक्षा बलों ने शुरू किया डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर में डीटीसी चुनाव की तैयारी पूरी, पहले और दूसरे चरण में रिमोट इलाके में होगा मतदान। मिजोरम में कोरोना के 23 नए मामले, कुल मरीजों की संख्या हुई 3,788। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ऐसे खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ इंडिया से।